हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका कुकिंग कमलेश में। आज मैंने आपके लिए एक राजस्थानी रेसिपी तैयार की है जो है मिर्ची का कुट्टू, जिसको कूटना मिर्ची लाना बहुत ही आसान है। ऐसी बात नहीं है कि आपके घर में अगर मान लो खलबट्टा नहीं है पत्थर का तो आप नहीं कूट सकते। मैंने इसको कूट कूट के इसको बनाया है। इसके अंदर मैंने मेथी दाना अच्छा डाला है, काफी डाला है, 2 चम्मच डाला है, क्योंकि ये 200 ग्राम मेरी मिर्ची थी। तो जो मेथी दाने की जो बेनिफिट होते हैं वो आपको पता ही है, क्योंकि मेथी दाना हमें किसी भी रूप में खाना चाहिए क्योंकि हमारे जोड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। और सर्दी के अंदर तो ये मिर्ची का कुट्टू बना के जरूर खाना चाहिए, क्योंकि सर्दी के अंदर ये मिर्च आती है और सर्दी के अंदर ही ऐसी चीजें हमसे खाई जाती है। गर्मी के अंदर हम लोग इन चीजों को नहीं खा सकते हैं। ये कितनी जल्दी और कितनी आसान तरीके से बना है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। जैसे कि आपको ये मिर्ची दिख रही होगी तो देखने से ही पता चलता है कि ये मिर्ची का कुट्टू है। तो आप इसे दाल चावल के साथ एंजॉय कीजिए या खिचड़ी के साथ एंजॉय कीजिए, किसी भी चीज के साथ आप इसे खा सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं है तो आप इसे खाली परौंठे के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए इसे बनाने की हम तैयारी शुरू। आज हम बनाने जा रहे हैं मिर्ची का कुट्टू। ये एक राजस्थानी रेसिपी है जिसको मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि सर्दियों के अंदर इस तरह की मिर्च बहुत आती है। इसको देसी मिर्च बोलते हैं, जो तीखी कम होती है और मतलब थोड़ी इसके अंदर चिड़चिड़ाहट होती है, फीकी भी नहीं होती है। तो ये मैंने 200 ग्राम मिर्च ली थी। मैंने इसको कुट्टू इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको हम इस तरह कूट कूट के इसको इस तरह करते हैं। मैंने बाकी की सारी कूट रखी थी, सिर्फ आपको मैं दिखाने के लिए एक रखी थी। इसका आप देख रहे हैं डंठल मैंने नहीं तोड़ा था, क्योंकि वो हमारे को पकड़ने में और इस तरह कूटने में आसानी होती है, तो हम इसको नहीं तोड़ेंगे, वो अपने आप बाद में अलग हो जाएगा। ये देखिए हमारा डंठल अपने आप अलग हो गया है। ये जो हमारे को मिर्ची आपको दिख रही होगी कि इसके अंदर बीजे बहुत हैं, हमें ये सब की सब इस्तेमाल करने हैं क्योंकि इनका ही स्वाद बहुत अच्छा आता है। और इसको हम मिर्ची के कुट्टू को बना के, एक तो देखिए राजस्थान में तो बनती रहती है क्योंकि वो दाल बाटी चूरमे के साथ खाते हैं, इसको कढ़ी के साथ खाते हैं, कढ़ी हुई, और इसके साथ जैसे खिचड़ी वगैरह के साथ खा लेते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक रेसिपी है ये, क्योंकि हमारे यहाँ हम मिर्ची छोंकते हैं या अचार डालते हैं, लेकिन मिर्च का कुट्टू कभी नहीं बनाते हम लोग। लेकिन ये राजस्थानी डिश है, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। चलिए अब हम इसकी बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। कुछ हमने साबुत मसाले लिए हैं, जिसके अंदर है 1 छोटा चम्मच जीरा और 1 ही छोटा चम्मच हमने सौंफ डाली है। और ये है हमारी कलौंजी जिसको मंगरेल बोलते हैं, और ये हमारी है हींग। ये दोनों आप कभी भी स्किप मत कीजिए, इनको डालना बहुत जरूरी है। ये देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम ये सारे मसाले इसमें डालेंगे। बस इनका थोड़ा कच्चापन दूर हो जाए, अब हम अपनी ये सारी मिर्च इसके अंदर डालते हैं। ये मैंने 200 ग्राम मिर्च ली थी, अगर आपको ज़्यादा लेनी है तो उसके हिसाब से आप मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 200 ग्राम के लिए ये मसाले बहुत हैं। इसके अंदर हम पानी नहीं डालेंगे, पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि ये मिर्चों में जो पानी है, वैसे ही मिर्चें हमने धो के अच्छी तरह पोंछ के फिर इनको तोड़ा था, क्योंकि हरी सब्जी है इनके अंदर पानी होता ही है अपना। अब हम इसका सारा पानी सुखा रहे हैं। अगर आपको इसके अंदर इसको थोड़े दिन रखना है तो आप इसके अंदर पानी बिल्कुल मत डालें। अगर आपको 5-6 दिन में इसे ख़त्म करना है खा के, तो आप थोड़ा सा पानी इसमें डाल सकते हैं, वो भी आपको ज़रूरत है तो, नहीं तो वैसे बिना पानी के ही ये बन जाएगी। अब इसके अंदर हम थोड़े स्पाइसेस डालेंगे, जिसके अंदर थोड़ी सी हम डालेंगे हल्दी पाउडर, बिल्कुल थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च तो है। इसके अंदर हम धनिया थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, वो पूरा 1 चम्मच डालेंगे, और मसालों को हम अच्छी तरह पका लेंगे। आधी चम्मच मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। ये मैंने 2 चम्मच मेथी दाना 2 घंटे पहले भिगो दिया था, और अब हम इसको इसके अंदर डाल देंगे। पानी हम बिल्कुल नहीं जाने देंगे इसके अंदर, इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है इसके साथ में, क्योंकि मिर्च तीखी होती है और मेथी दाना थोड़ा खटास देता है। ये मैंने नारियल का बुरादा लिया है, मैंने ये 2 चम्मच लिया है, ये भी मैं इसी के अंदर डालूंगी, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। बहुत ही झटपट बनने वाला है ये चीज़, झटपट बनने वाली है, तुरंत हम इसको खा भी सकते हैं।
थोड़ी सी हम इसके अंदर एक छोटा चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे। आप चाहें तो इसमें नींबू भी डाल सकते हैं या नींबू का शर्बत भी डाल सकते हैं, लेकिन नींबू का शर्बत जो होता है वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। हलवाई लोग ज़्यादातर उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम अपने घर में खाने के लिए बना रहे हैं तो हम इसके अंदर जो भी चीज़ हमारी सेहत के लिए अच्छी होगी हम वो डालेंगे। देखिए इसका सारा पानी भी जम गया है। अगर आप इसके अंदर ज़्यादा इसको दिन रखना चाहते हैं तो आप इसके अंदर तेल की मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हैं। अब ये बन के तैयार है, अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसकी प्लेटिंग करते हैं। ये देखिए हमारा मिर्ची का कुट्टू तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितना झटपट और कितनी आसान तरीके से बना है ये। ऐसे कोई बाहर की चीज़ नहीं है, क्योंकि सर्दियों के अंदर ये मिर्ची बहुत आती है, देसी मिर्ची जो तीखी नहीं होती है, और इसको खाना और बनाना दोनों ही बहुत अच्छा है, क्योंकि हर कोई इसको खा सकता है, तीखापन इसमें बहुत कम होता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।